उससे ऐसा मैसेज दिया जा रहा कि जैसे मनकबत बगैर म्यूजिक के हो सकती ही नहीं। अजीब जुल्म है। किस बात की कमी थी आपकी इज्जत और इफ्तिखार में? आले मोहम्मद के मदह ख्वां थे काफी ना था ये? आले मोहम्मद के मदह ख्वां थे काफी ना था ये? शीशाने मौला तू बड़ा लजपाले। आले मोहम्मद के मदह ख्वां थे काफी ना था ये? आले मोहम्मद के मदह ख्वां थे काफी ना था ये? काबे में आके आले मोहम्मद के मदह ख्वां थे काफी ना था ये? जो बाबू खुशिया जिब्रील अमीन। अगर आवाज में अगर सोज हो तो सांस की जरूरत नहीं होती। मेरा नबी अल्लाह भी बोले तुझसे यही पढ़ना दे। और अगर आवाज में सोज ना हो तो साज इंसान को गुलूकार तो बनाता है, मदाख्वा नहीं बनाता। तो आले मोहम्मद अपनी मदह में गिना कैसे पसंद करें? अजीब जुल्म हो रहा है कि कहीं पर मिलाद के मनकबत के तमाम तर अशार में कहीं ना कहीं आले मोहम्मद का इल्म बांटने वाले उलमा की तोहीन, कोई ना कोई एक आध मिसरा तो आ ही जाता है। खुदा उनकी हिदायत करे और उससे क्या आगे बात को बयान करो कि अब तो स्टेज पर खवातीन को साथ बिठाकर मिलाद हो रहा है। यह भी आपके शहर का ही वाकया है, गांव देहात का नहीं। यानी ऐसा लगता कि स्टेज लफ्ज स्टेज अच्छा लफ्ज नहीं है, अच्छा लफ्ज नहीं है, लफ्ज मसनद हो, मसनद विला के नाम से। काबे की जिसने बढ़ाई शान ऊंची शान खुदा जानता है, लेकिन मुझे इस बात का डर है, खौफ है और वाकई बड़ा अफसोस भी है, धड़का है। ये जो बच्चे बेचारे हैं, क्या बदनसीबी बदबख्ती इनका मुकद्दर ठहरेगी जब ये बड़े होंगे और इनको इस तरह की जो आजकल मिदहत की जा रही है वो सामने आएगी। लिहाजा आप देखिए कि अगर मिदहत का ये तरीका सही है कि आप हर मौसीकी के आलात को लेकर आएं 13 रजब की आड़ में, बखुदा आप ये मौसीकी के आलात लेकर इमाम हुसैन की जरिए मुतार के सामने जा सकते हैं। नहीं जा सकते तो इसका मतलब है आप अपने ज़मीर में खुद गवाह करके ये कह रहे हैं कि ये काम गलत है। मसला ये बच्चों को मुखातिब हूँ, बड़े और मेरी हम उम्र लोग जानते हैं कि लाइक्स और व्यूवरशिप ने जो ये लानत आई है ना, अब आपकी निगाहों के सामने ज़ात अली इब्न अबी तालिब नहीं है। कितने लाइक्स पड़े, अरे लाइक्स जाए जहन्नम में, अली इब्न अबी तालिब ने कबूल किया कि नहीं किया? लिहाजा आप लोग अपना इजहार वजूद कीजिए। अगर आपने अपने आप को इज्जत नहीं दी, इमाम की बारगाह में कोई आपको इज्जत नहीं देगा। मत सुनिए ऐसी चीज के जहां पर वो नजिस आलात लहुलैब लगाए गए हैं जो शान अली इब्न अबी तालिब के साथ नहीं है। इस बात को समझिए और ये मसला आसान नहीं है। हम कलीसा में गिरजाओं में ये देख चुके हैं कि हमेशा से वहां पर पियानो और सितार और गिटार होता था, नहीं होता था लोगों को लाने के लिए। ये तमाम के तमाम काम किए गए और अब जो भी हो इसका मुखातब मैं किसी शख्स की तरफ नहीं कर रहा, गलत काम है जो हो रहा हो। और हम मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं और बच्चियों से कि इस बहाव में बहने से बचें। आप खुद सोचे ना कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ बोलो तो बुरा लगता है। मोहन साहब थोड़ा ख्याल रख लिया करें। किसका ख्याल रखूं मैं इमाम जमाना का ख्याल रखूं या आपका ख्याल रखूं?